हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वर्क कमिंग चैनल। कंटिन्यू करते हैं एग्जाम बूस्टर सीरीज, लेकिन आज एग्जाम बूस्टर सीरीज है स्टीरियो केमिस्ट्री पे, नहीं के जीओसी, नहीं की इनऑर्गेनिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर आइडेंटिकल। ठीक है, हमको आइडेंटिकल कंपाउंड फाइंड करना है। ठीक है, देखो एक फिशेस में दिया है, फिशर में दिया है, बाकी सब सोर्स में दिया है। ठीक है, फिशर्स और सोयर्स, उसको आपको ये वेस्टेज रिप्रेजेंटेशन में दिया है, तो तुमको फिशर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर ये फिशर में कन्वर्ट करना आ गया, क्वेश्चन तुम इजीली सोल्व कर पाओगे। देखो, तुम आरएस नोमेनक्लेचर, जो एब्सोल्यूट आरएस नोमेनक्लेचर है, उससे भी तुम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और इसको फिशर में कन्वर्ट कर लोगे तो भी आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सोल्व करते हैं और एक एक अलग अलग सा ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रिक के बेस पे है। ठीक है, अगर तुमको ट्रिक पता है तुम्हारा टाइम कंज्यूम कम होगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो, पहला इसको आइडेंटिकल मान के जाते हैं, इसको आइडेंटिकल मान के जाते हैं, डायरेक्टली सोल्व करते हैं सेकंड की, ये मेरा सेकंड सोल्व करूंगा तो इस तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो पहले तो ये कैसा है, दोनों सीस है। ठीक है, ये ट्रांस नहीं है, सीस मैनर में है ये दोनों। इधर मेरा सी डबल ओ एच ग्रुप होगा। ठीक है, सी डबल ओ एच ग्रुप। ठीक है, ये सीस मैनर में है, ट्रांस मैनर में नहीं है। देखो तो ऑलवेज कभी फिशर ये सोहर्स प्रोजेक्शन है, उसको तुमको फिशर में कन्वर्ट करना है। फिशर में कन्वर्ट के टाइम उस पर ऑलवेज सीसोइड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? सीसोइड फॉर्म में। अगर सीसोइड फॉर्म में है तो अगर ट्रांसपोर्ट में दिया है, ठीक है, तो ट्रांसोइड को हम क्या करेंगे, सीसोइड में कन्वर्ट करेंगे। सीसोइड को कन्वर्ट करके फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं तुमको ट्रिक सिखाऊंगा कि हमको ट्रांसोइड को सीसोइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसको फिशर कंजप्शन फिशर कंफिगरेशन में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टाइम बचाएगा। ठीक है, देखो पहले को आइडेंटिकल मानते हैं कि पहला ये मेरा मेन मॉडल है, हमको सबको कंपेरिजन इससे साथ करना है। ठीक है, तो देखो दूसरे को ड्रॉ करता हूँ कि देखो ये दोनों कौन से मैनर में है, सीस मैनर में है, तो मैं इसको पहले सीस मैनर में, ये सीस मैनर है। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली पहले तो देखो ये अभी हॉरिजॉन्टली है ना। ठीक है, पहले काम क्या करना है, जब भी ऐसा कंफिगरेशन है तो उसको वर्टिकल कर लेना है। ठीक है, वर्टिकल कर लोगे ना तो बहुत इजी रहेगा। देखो मैं वर्टिकल कर रहा हूँ, इधर सोल्व कर रहा हूँ, ये वाला सेकंड वाला यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। देखो कि मैं उसको वर्टिकल कर रहा हूँ, ये दोनों ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ पे है सी डब्लू एच और इधर क्या है सी एच टू एस एच और क्या दिया, देखो सी एच टू एस एच कॉन्फिगरेशन में कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन पे क्या दिया है, अबाउट द प्लेन ब्रोमिन दिया है। ठीक है, चलो अबाउट द प्लेन ब्रोमीन, फिर बिलो द प्लेन क्या दिया है, बिलो द प्लेन मिथाइल दिया है। ठीक है, तो बात हो रही ये कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये सी डब्ल्यू एच के साथ क्या दिया है, अबाउट द प्लेन क्या दिया है, अबाउट द प्लेन सी एच टू सी एल दिया है, एंड बिलो द प्लेन क्या दिया है, आयोडीन दिया है। ठीक है, बिलो द प्लेन आयोडीन दिया है, ये मेरा सीसोइड फॉर्म ही है। ठीक है, सीसोइड फॉर्म ही है। ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन तुमको फिशर में कन्वर्ट करना है तो सीसोइड में ही होना चाहिए। ठीक है, सीसोइड टू तुम फिशर में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगर ट्रांसोइड को हो तो उसको ट्रिक बताऊंगा, ट्रांसोइड टू सीसोइड करना है, सीसोइड टू फिशर करना है, लेकिन हम ट्रांसोइड टू डायरेक्टली फिशर करेंगे। ठीक है, वो उसका भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ये तो हमारे ऑलरेडी सीसोइड में ही दिया है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्ट इसको सोल्व करता हूँ, कैसे सोल्व करना है। देखो ये अबाउट द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, ये अबाउट द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, हमने इसको मॉडल मान के जा रहे हैं। ठीक है, कि इस ये ऐसा मेरा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो वो होगा मेरा, अगर इसमें से तीनों में से कोई ऐसा मिल गया वो मेरा होगा आइडेंटिकल। ठीक है, तो देखो ये क्या फॉर्म, ये अबाउट द प्लेन होगा। ठीक है, पहला कॉन्फ़िगरेशन सी एच टू एस एस है। ठीक है, सी एच टू एस एस है, तो हम उसको ऐसे मान के जाएंगे। ठीक है, पहला तो ऐसा बना लेंगे, देखो इधर होगा सी एच टू एस एच, नीचे होगा सी डब्लू एच। अब बात रही फिशर में कन्वर्ट करने की, तो ये दोनों जो अबाउट द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है उसको कहाँ अरेंज करेंगे। ठीक है, देखो इसका ट्रिक सिखाता हूँ, ट्रिक ध्यान से देखो। देखो ये मेरा अबाउट द प्लेन होगा, ठीक है, ये बी आर ऊपर होगा, नीचे होगा मेरा एम ई होगा। ठीक है, और इधर मेरा ये सी एस टू एस एच है, सी एस टू एस एच, ट्रिक ध्यान रखना, मैं ट्रिक बोल रहा हूँ। अगर मैं इधर थोड़ा जोर से मार रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं जोर से मार रहूंगा तो ऊपर वाला बी आर है ना, वो उठ के इस साइड, उसके राइट हैंड साइड चला जाएगा। अगर देखो यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे बी आर है, और यहाँ पे एम ई है। ठीक है, ये मेरा सी एस टू एस एस है, ये मेरा सी एस टू एस एस है।
ठीक है, तो मैं यहां से मारूंगा, देखो तो पहले कौन उठेगा ऊपर, अबोव द प्लेन कौन है, ये मेरा बिलो द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन है, ठीक है, ये मेरा समझ लो तुम बी आर है, ये मेरा एम इथाल है, ठीक है, और ये मेरा सी एस टू एस एच है। अगर मैं इधर मारूंगा तो पहले उठ के कौन आएगा, ऑब्वियसली अबोव वाला पहले उठ के आएगा, ठीक है, तो ये उठ के इस साइड चला जाएगा, ठीक है, वेज वाला। ऑलवेज याद रखना जो अबोव द प्लेन होगा वो तुम जिस साइड है, देखो ये इस साइड है, तो मैं यहां पे मारूंगा बी आर वाला उठ के उस साइड चला जाएगा, तो मेरा मीन्स ये मेरा अबोव द प्लेन है, ये मेरा बिलो द प्लेन है, और ये मेरा सी एस टू एस एच है, ठीक है, तो तुम यहां पे मारोगे तो मेरा ये उठ के उस साइड चला जाएगा, ठीक है, ये तो मेरा नो डाउट ये यहां पे आ गया। तो बात रही सिर्फ इस ये कन्फ्यूरेशन की, इसको मैं राइट साइड लिखूं या लेफ्ट साइड लिखूं, ठीक है, तो तुम यहां पे मारोगे तो मेरा ये वाला उठ के उस साइड चला जाएगा, तो मैं यहां पे उठ साइड, ये अबोव द प्लेन है, तो अबोव द प्लेन कौन दिया है, बी आर दिया है, तो बी आर को मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, ये मेरा बी आर और मिथाइल यहां पे, ठीक है, ऑब्वियसली मेरा बी आर उस साइड चला गया, तो ऑब्वियसली मिथाइल तो इधर रहेगा। बात करते हैं ये कंफिग्रेशन की, देखो ये कंफिग्रेशन में क्या है, ये मेरा सी डब्लू एस ग्रुप है, ठीक है, ये मेरा सी डब्लू एस ग्रुप है, और अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये अबोव द प्लेन, ठीक है, देखो अबोव द प्लेन कौन है, अबोव द प्लेन सी एस टू सी एल है, बिलो द प्लेन आयोडीन है, ठीक है, अगर तुम सी डब्ल्यू एस ग्रुप को ऐसे इधर से मारोगे तो पहले कौन उठेगा, ठीक है, ये दोनों उठना चाहेंगे लेकिन पहले कौन उठ जाएगा, ये उठ के डायरेक्टली उस साइड चला जाएगा, ठीक है, उस साइड चलेगा मीन्स राइट साइड चला जाएगा, ठीक है, तो राइट साइड कौन जाएगा, ऑब्वियसली ऑलवेज अगर तुम यहां पे एक मारोगे तो उड़ के जाने वाला है सी एस टू सी एल ग्रुप। ये तुमको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, कैसे अगर तुम ये वेंस डेस्क कॉन्फ़िगरेशन में दिया है तो तुमको जब पीसर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ये मेरा सी डब्ल्यू एस है, ये मेरा सी एस टू सी एल है, और ये मेरा बिलो द प्लेन है वो आयोडीन है, अगर मैं यहां पे मारूंगा तो ये उठ के उस साइड चला जाएगा अबोव द प्लेन वाला, देखो तो अबोव द प्लेन इस साइड चला गया मीन्स देखो यहां आ जाएगा सी एस टू सी एल और यहां आ जाएगा आयोडीन। अब देखो ये मेरा फिशर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये भी मेरा फिशर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, देखो तो हमने दो नंबर देखा, देखो सी एस टू सी एल बी आर आ गया, देखो ये मेरा दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं दे है, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये काइरल कार्बन देखो, ठीक है, और ये काइरल कार्बन देखो, यहां पे सी एस टू एस एच के बाद राइट हैंड पे क्या है सी एस थ्री ग्रुप है, और इधर क्या है इधर ब्रोमिन ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, नो डाउट नीचे वाला कन्फिग्रेशन सेम है लेकिन ऊपर वाला कन्फिग्रेशन सेम नहीं है, ठीक है, तो नीचे वाला सेम है ऊपर वाला सेम नहीं है, तो आइडेंटिकल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, या तो डायस्यूमर होगा या तो इनेंसूमर होगा, वो हम अगर एब्सोल्यूट आरएस कन्फिग्रेशन देखेंगे, एब्सोल्यूट आरएस कन्फिग्रेशन को तुम जान सकोगे कि वो इनेंसूमर है या डायस्यूमर है, ठीक है, वो आपको एग्जाम्पल में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तब आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया, मैं सीसोइड फॉर्म टू फिशर में कन्वर्ट किया हूँ, ठीक है, बहुत इजी वे में है, तो मेरा ये सेकंड ऑप्शन सॉल्व हो गया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन मेरा फर्स्ट ऑप्शन से सेम नहीं है, ठीक है, तो वो मेरा आइडेंटिकल नहीं है, उसको मैं अभी हटा देता हूँ, सोल्व करते हैं थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो ये एज इट इज रहने दो क्योंकि ये सीसोइड फॉर्म में नहीं, चलो दूसरे वापस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, पहले क्या कब करना है, देखो ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, हमको वर्टिकल करना है, वर्टिकल करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये सी एस टू एस एच है, सी एस टू एस एच ऊपर है, हमको ऊपर रखना है, ठीक है, सी एस टू एस एच को सी डब्ल्यू एच को नीचे रखना है, तो इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है, तो देखो इस प्रकार से मेरा बन जाएगा ये वाला, इधर होगा सी एस टू एस एच, सी एस टू एस एच एंड नीचे क्या है सी डब्ल्यू एच, फिर अबोव द प्लेन क्या है, अबोव द प्लेन क्या है ब्रोमीन है, और बिलो द प्लेन क्या है सी एस थ्री ग्रुप है, बिलो द प्लेन सी एस थ्री ग्रुप है, इधर क्या है, इधर अबोव द प्लेन क्या है, अबोव द प्लेन इज आयोडीन एंड बिलो द प्लेन क्या है, बिलो द प्लेन इज सी एस टू सी एल। अब बात आई वापस किसकी, अब इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है, देखो फिशर में कन्वर्ट करना है तो पहला मेरा काम क्या होगा, ये सी एस टू एस एच एज इट इज लिख लेता हूं, सी एस टू एस एच एज इट इज है सी डब्लू एच, देखो दो काइरल कार्बन है, उसको हमको ये वेज बेस को रिप्रेजेंट करना है फिशर में, तो यहां पे देखो ये मेरा क्या है, इसमें उल्टा हो गया, ठीक है, इस साइड है मेरा काइरल कार्बन, तो ये मेरा है, देखो ये अबोव द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन है, ये मेरा बिलो द प्लेन है एंड ये मेरा सी एस टू एस एच है, पहले काइरल कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा प्लेन में है, सी एस टू एस एच मेरे प्लेन में है, ये रेड वाला है वो मेरा ब्रोमीन है, और ये ग्रीन वाला है, ब्लू वाला है वो मेरा सी एस थ्री है, ठीक है, ये बिलो द प्लेन है, तो
तो अगर तुम यहां पे मारोगे तो पहला कौन उठेगा? पहला ऑब्वियसली अबोव द प्लेन वाला उठेगा, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, ये तो मेरा प्लेन में ही है, तो फिर ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्लेन में ही था, ये इधर वेज में था, ठीक है, अबोव द प्लेन था, यहां पे हमने लगाया, ठीक है, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक तुमको याद रखना है कि अगर तुम ये वेज बेस कॉन्फ़िगरेशन को जब फिशर में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करना है, तो अगर तुम यहां पे मारोगे तो मेरा वेज वाला उठ के इस साइड आ जाएगा, तो तुम इधर क्या लिखोगे, इधर ब्रोमीन लिखोगे, और बाद में यहां पे क्या लिखोगे, CH3 लिखोगे। और बात करें इसकी, ये कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन प्लेन में किस साइड है, इस साइड ही प्लेन में है, तो इसको मैं यहां पे मारूंगा तो उठेगा कौन, आयोडीन वाला। ऑब्वियसली जब भी तुम ऐसे सिसोइड कॉन्फ़िगरेशन हो गए, यहां पे मारोगे तो यहां पे ये वाला ब्रोमीन अबोव द प्लेन वाला उठ के इस साइड आ जाएगा, यहां भी मारोगे तो अबोव द प्लेन वाला उठ के इस साइड आ जाएगा। अगर जो साइड में दिया है जब भी उठ के आएगा वो अबोव द प्लेन वाला होगा, चाहे वो राइट साइड आए या चाहे लेफ्ट साइड आए, ठीक है। अबोव द प्लेन वाला जो दिया होगा वही तुम्हारा आएगा। देखो तो यहां पे लगाऊंगा तो आयोडीन मेरा इस साइड आ जाएगा और CH2Cl एज इट इज उधर CH2Cl, तो मेरा हो गया ये फिशर कॉन्फ़िगरेशन। फिशर कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, अब इससे मैच करो कि ये मेरा आइडेंटिकल है या नहीं है। देखो ये CH2 ऐसे इस साइड कॉन्फ़िगरेशन में CH3 दिया है और लेफ्ट हैंड में BR दिया है, ठीक है, ओके। ये मेरा कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन वो सेम एज इट इज है, ठीक है, फर्स्ट वाला। देखो देखो दूसरे में क्या है, COOH फिर CH2Cl एंड आयोडीन, ये भी तो दोनों सेम है, ठीक है। तो ये मेरा कैसा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये दोनों देखो सेम ही है, तो ये मेरा है आइडेंटिकल, ठीक है। हमको 1 और 3 नंबर का आइडेंटिकल मिल गया। अब लास्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ पूरा, ये लास्ट सोल्व करते हैं। देखो ये ट्रांसोइड दिया है हमको सीसोइड में कन्वर्ट करना है। देखो ट्रांसोइड को सीसोइड में कन्वर्ट करना है, पहले डायरेक्टली ट्रिक बताता हूँ कि ट्रांसोइड को डायरेक्टली फिशर पोजिशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो ये तो पहले वेज बेस को मैं ऐसे ये हॉरिजॉन्टली या ठीक है वर्टिकली ड्रॉ करूंगा, तो देखो ये वर्टिकली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा प्लेन में कौन है, CH2SH और COOH, और देखो अबोव द प्लेन कौन है, नीचे का कार्बन कॉन्फ़िगरेशन में CH2Cl है, यहाँ पे अबोव द प्लेन CH2Cl, और बिलो द प्लेन क्या है, बिलो द प्लेन मेरा आयोडीन है। बात करते हैं ऊपर के कायरल कार्बन की, तो अबोव द प्लेन कौन है, अबोव द प्लेन है ब्रोमीन, एंड बिलो द प्लेन क्या है, बिलो द प्लेन है मेरा CH3, बिलो द प्लेन मेरा CH3 है। देखो अब उसको फिशर में कन्वर्ट करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है। ट्रिक क्या थी, यहां पे मारोगे तो अबोव द प्लेन वाला राइट हैंड साइड चला जाएगा, यहां पे मारोगे तो अबोव द प्लेन वाला लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, ठीक है। ट्रांसवर्ड फॉर्म है, डायरेक्टली सीसोइड फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना डायरेक्टली हम फिशर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो सेम रहेगा मेरा CH2SH जैसे ही रहेगा, CH2SH प्लेन में है और COOH मेरा प्लेन में है, ये दोनों प्लेन में एज इट इज। और बात रही ये दोनों की तो कैसे कन्वर्ट करना है फिशर में, तो यहां पे लगाओगे तो ये मेरा देखो राइट हैंड पे, यहां पे लगाओ तो अबोव द प्लेन कौन है, ब्रोमीन, तो ये मेरा राइट साइड है, तो यह कहां जाएगा, राइट साइड जाएगा, ये मेरा कहां है, लेफ्ट साइड जाएगा, इधर मारूंगा तो ये कहां आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, अबोव द प्लेन वाला मेरा लेफ्ट साइड आएगा। देखो तो इधर मेरा ब्रोमीन आएगा और एज इट इज जो बिलो द प्लेन था वो वहीं पे रह जाएगा CH3, ठीक है, ये मेरा CH3। बात करते हैं नेगन सेकंड का कायरल की, कि देखो ये COOH मेरा कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड है, इधर मैं मारूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड कौन आएगा, अबोव द प्लेन वाला लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इधर होगा CH2Cl एंड इस साइड कौन रह जाएगा, आयोडीन रह जाएगा। देखो ये मेरा सेम एज इट इज ये वाला है या जो हमको थर्ड में मिला था वो वाला है, नहीं है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला, ये दोनों सेम है। देखो ये कायरल कार्बन में क्या है, CH2SH, इधर राइट हैंड साइड में CH3 है लेकिन उसमें राइट हैंड साइड पे ब्रोमीन है, और इसमें देखो ये सर CH2Cl है और उसमें राइट हैंड साइड में आयोडीन है, तो ये तो दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो चारों हमारा क्वेश्चन चारों ऑप्शन सोल्व हो गया, कि इससे आइडेंटिकल हमको मिला था वो कौन सा वाला मिला था, ये थर्ड वाला आइडेंटिकल मिला था। हमारा सही ऑप्शन कौन होगा, 1 और 3 वाला, 1 और 3 मेरा कैसा है, आइडेंटिकल है। देखो ऑप्शन कोई दिया है 1 और 3 वाला, ऑब्वियसली 1 और 3 इज आइडेंटिकल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अगर वेट डेस्ट फॉर्म में दिए है उसको सीसोइड टू ट्रांसोइड, अगर ट्रांसोइड टू सीसोइड कन्वर्ट करना है, ठीक है, मैटर नहीं करता। देखो तुमको ट्रांसोइड दे दिया है तो तुमको ट्रिक पता है, तो तुमको डायरेक्टली सीसोइड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर सीसोइड में कन्वर्ट करने की जरूरत है तो फिर वो टाइम ले जाएगा, ठीक है तुम्हारा,
डायरेक्टली तुमको ट्रांसफर दिया है तो ये ट्रिक अप्लाई करोगे कभी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेन वाला लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, इसको एज इट इज ड्रॉ कर देना है, एज इट इज ड्रॉ कर देना है। जैसे कंपाउंड मेरे को CH2S अब पहले दिया था, फिर नीचे कायरल कन्वर्ट में CWH दिया था, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये मेरा राइट हैंड साइड पे था, तो यहाँ पे जो अबव द प्लेन होगा वो कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड पे, और ये मेरा बिलो, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो मेरा जो अबव द प्लेन है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। ठीक है, सिंपल ट्रिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखा बताना है ए एंड बी कंपाउंड का। ठीक है, देखो कंपाउंड ए क्या दिया है, कंपाउंड बी क्या दिया है। कंपाउंड ए दिया है एलिन दिया है, ठीक है, एलिन टाइप कंपाउंड है, और कंपाउंड बी है वो है बाइफिनाइल टाइप। ठीक है, बाइफिनाइल टाइप, और देखो ये दोनों कैसा है कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड है मेरे कायरल एक्सिस कंटेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये कायरल एक्सिस कंटेंट कंपाउंड में तुमको हम डिटेल में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब जरूर बताऊंगा कि जब कायरल एक्सिस कंपाउंड में कौन से इन्वॉल्व है। ठीक है, कायरल प्लेन है, हेलिसिटी है, इतना बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, उसमें से ये मेरा कौन सा टाइप है, दोनों ये मेरा एलिन टाइप है और बाइफिनाइल टाइप है, दोनों क्या है मेरा कायरल एक्सिस कंटेंट कंपाउंड है। देखो इसका आरएस नॉमिनेशन निकालने का एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखो कंपाउंड ए है, पहले तो क्या करना है, कंपाउंड कैसे दिया, हॉरिजॉन्टल दिया है, पहला काम है वर्टिकल करना। अगर देखो पहला ऑलवेज काम करने का, देखो वेस्ट डेस्ट पोर्शन कहाँ है, वेस्ट डेस्ट पोर्शन कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है। वेस्ट डेस्ट पोर्शन जितना भी दिया होगा ना, वो पोर्शन को तुमको तुरंत नीचे लाना है। ठीक है, मीन्स तुमको नीचे लाना है, फिर ये दोनों को ड्रेस देखना है। देखो तुम इसको नीचे लाओगे तो तुम इसको ऐसा घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे घुमाओगे तो वेस्ट डेस्ट पोर्शन ऊपर चला जाएगा। और देखो ये एलिन टाइप है, एलिन टाइप कैसे होगा, देखो एक डबल बोन्ड ऐसे होगा, एक डबल बोन्ड ऐसे होगा। ठीक है, मेरा सी डबल बोन्ड सी, ये मेरा अल्किन हुआ, लेकिन तुमको एलिन करना है, तो जो दूसरा डबल बोन्ड होगा ना, देखो ये डबल बोन्ड एक मेरा हो गया, उसमें देखो ये बी आर एंड सी एल है, वो उसकी वैलेंसी इस टाइप होगी, उसकी वैलेंसी इस टाइप होगी। देखो एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा। ठीक है, ये मेरा डबल बोन्ड है, ठीक है, ये मेरा डबल बोन्ड है, तो एक वैलेंसी इस साइड होगी, एक वैलेंसी इस साइड होगी। लेकिन ये जो दूसरा डबल बोन्ड है ना, दूसरा डबल बोन कैसे होगा, ये डबल बोन के साथ वो इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा। ठीक है, मेरा पहला डबल बोन ऐसे होगा, दूसरा डबल बोन ऐसे होगा। ठीक है, और देखो इसकी वैलेंसी कैसे होगी, ये अबव द प्लेन कौन है, अबव द प्लेन मेरा सी डबल ओ एच ग्रुप है, और बिलो द प्लेन कौन है, सी एस थ्री ग्रुप है, मेरा बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो मेरा सी डबल ओ एच ग्रुप ऐसे रहेगा और सी एस थ्री ग्रुप मेरा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, एक मेरा डबल बोन ऐसे रहेगा, ठीक है, एक डबल बोन ऐसा होगा और दूसरा एक डबल बोन ऐसे होगा। ठीक है, जो इस तरफ होगा वो मेरा मेरा अबव द प्लेन इधर होगा, बिलो द प्लेन मेरा नीचे होगा। ठीक है, और ये दोनों की वैलेंसी किस कैसे होगी, एक मेरी इस साइड होगी, एक इस साइड होगी। ठीक है, तो ये मेरा होगा एलिन कंपाउंड। देखो बात करते हैं अभी आरएस आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने की। देखो पहला काम क्या करने का, इसको रोटेट करके वेस्ट डेस्ट पोर्शन को नीचे लाने का। अगर तुम इसको नीचे ला दोगे, नीचे लाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कि देखो ये सी, पहले इसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इधर है मेरा, इस साइड है मेरा सीएल है। ठीक है, इस साइड मेरा सीएल, इस साइड ब्रोमीन। देखो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये मेरा इस साइड जाएगा, तो सीएल मेरा इस साइड है, ब्रोमीन मेरा इस साइड है। देखो फिर डबल बोन सी, और बाद में ये तुम चाहे कुछ भी लिखो। देखो अबव द प्लेन क्या है मेरा सी डबल ओ एच, और बिलो द प्लेन क्या है, बिलो द प्लेन है सी एस थ्री। उसको पहला काम करने का कि ये मेरा है, अगर हॉरिजॉन्टल दिया है तो वर्टिकल कर देना, और जो वेस्ट डेस्ट पोर्शन है उसको नीचे लाने का। ठीक है, वेस्ट डेस्ट पोर्शन नीचे ले लिया, अब वो बात आती है डायरेक्टली आरएस कॉन्फ़िगरेशन की, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला काम करना है जो वेज वाला है उसको पहले तो ये ड्रॉ कर देना। ठीक है, जैसे हम फिशर में फिशर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं ना, उस टाइप ड्रॉ कर लेने का। देखो ऐसे में ड्रॉ कर लिया, अब हम सिर्फ उसको ग्रुप लगाना है, हमको क्या लगाना है, ग्रुप लगाना है, कौन सा कहां पे क्या ग्रुप आएगा। तो ये ट्रिक याद रखो, इसको तुमने जब वर्टिकल कर लिया ना, जो वेज और डेस्ट पोर्शन ऑलवेज नीचे लाना है। पहला काम क्या करना है, वेज और डेस्ट पोर्शन नीचे लाना है, फिर ये वाला वेज रहेगा ना वो ऊपर चला जाएगा, डेस्ट वाला नीचे ही रहेगा। ठीक है, वेज वाला ऊपर चला जाएगा और डेस्ट वाला नीचे ही रहेगा सी एस थ्री। ठीक है, तो ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया। बात करते हैं ये दोनों की, तो ये दोनों किस साइड है, ब्रोमीन मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, क्लोरीन मेरा राइट हैंड साइड है, तो क्लोरीन मेरा राइट हैंड साइड, ब्रोमीन मेरा लेफ्ट हैंड साइड, बात हो गई खत्म। फिशर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब आरएस करना है, बात इधर ये रखनी है कि हम जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन अलग से पढ़ेंगे, जो कायरल सेंटर का रहता है वो,
और इसका कार्य आरएस नोमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो इसमें कभी आरएस नोमेनक्लेचर करना है तो पहला नंबर इसको ही देना है, पहला नंबर ये दोनों को ही देना है, फिर जो थर्ड एंड फोर्थ नंबर आएगा ना इसको फर्स्ट एंड टू नंबर तो ये दोनों को ही देना है, और थर्ड और फोर्थ आएगा ना, थर्ड एंड फोर्थ ये नंबर ये दोनों को ही देना है जो वर्टिकल रहता है, ठीक है, ओरिजेंटल रहता है, जो ओरिजेंटल होगा वो ठीक है उसको थर्ड एंड फोर्थ देना है, जो वर्टिकल है उसको फर्स्ट एंड सेकंड देना है, ठीक है। तो ये हमारे यहां से हम इसमें आए, यहां से हम फिशर प्रोजेक्शन में आए। अब बात आई आरएस नोमेनक्लेचर की, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, देखो इसको हटा देता हूं पहले, ठीक, सी डबल ओ एच कहां लिखा है, ये मेरा कंफिग्रेशन फिशर कंफिग्रेशन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये सी डबल ओ एच, बाद में क्या है इधर सी एस थ्री, इस साइड सी एल एंड इस साइड बी आर, तो बात कहां रही फर्स्ट एंड सेकंड नंबर किसको देना है, ये दोनों में से, तो ये दोनों नंबर में से देखो इधर कार्बन है इधर कार्बन है, लेकिन इसके साथ एस थ्री है, लेकिन इधर क्या है ऑक्सीजन है, तो जैसे मेरा मास बढ़ेगा ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो इसको नंबर एक देंगे, इसको एक नंबर देंगे, इसको दो नंबर देंगे। अब बात रही ये दोनों की, तो इसमें इसको क्या देना है, थर्ड एंड फोर्थ नंबर ऑलवेज देना है, ये कायरल एक्सिस कंटेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब नोमेनक्लेचर दूसरा पढ़ेंगे जिसमें कायरल सेंटर वाला लिंक है, वेज डेस वाला कंपाउंड मिलेगा हमको, वो सब में थोड़ा अलग रहता है, लेकिन इसका थोड़ा अलग रूल है, ठीक है। तो देखो ये दोनों को फर्स्ट सेकंड नंबर दे दिया, बात रही ये दोनों की, तो इसमें ऑब्वियसली ये मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा इसका है, ठीक है, इसका नंबर ज्यादा है तो इसको थर्ड नंबर देंगे और इसको फोर्थ देंगे। और एक कंडीशन इसमें देखो, आरएस नोमेनक्लेचर में आपको पता ही है कि हम आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे तो वन टू टू जाएंगे ना, वन टू टू जाएंगे तो बीच में कभी थर्ड नहीं आना चाहिए, क्या वन टू टू नंबर तक जाने पर में बीच में कभी थर्ड नहीं आना चाहिए। तो देखो इस तरफ जाएंगे तो इधर क्या आ रहा है, बीच में थर्ड आ रहा है, तो हम वो रूट पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, हम ऑलवेज रूट पसंद करेंगे, अगर वन टू टू तरफ जाना है नो डाउट वो डायरेक्टली टू आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बीच में थर्ड और फोर्थ आ रहा है, ठीक है, तो थर्ड तरफ थर्ड वाला रूट हम कभी नहीं चूज करेंगे, हम ऑलवेज फोर्थ वाला रूट चूज करेंगे, ठीक है, तो वन टू टू जाएंगे तो फोर्थ वाला रूट पसंद करेंगे, तो ये क्या है ऐसे घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना, क्लॉकवाइज हुआ तो मेरा आर कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज हुआ तो मेरा आर कॉन्फिगरेशन होगा। और बात याद रख लो अभी इधर कि इधर आरएस नोमेनक्लेचर में देखो फोर्थ नंबर मेरा कहाँ है, ओरिजेंटल है, वो अबो दो प्लेन रहता है, जनरली तुम आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वो अबो दो प्लेन रहता है, तब मेरा कॉन्फिगरेशन का आर का एस होता है, एस का आर होता है, ठीक है, लेकिन वो रूल यहां अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, कायरल एक्सिस कंटेंट कंपाउंड में वो रूल अप्लाई नहीं करना है, ये जो अबव द प्लेन रहता है, ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो अबव द प्लेन रहता है आरएस नोमेनक्लेचर में, तो मेरा अगर फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल पे आएगा तो मेरा आरएस नोमेनक्लेचर चेंज होता रहा है, अगर आर कॉन्फिगरेशन आया तो वो एस हो जाएगा, एस कॉन्फिगरेशन आया तो वो आर हो जाएगा, लेकिन हम उसको कायरल एक्सिस कंटेंट कंपाउंड में उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें अगर आर आ रहा है तो आर ही लिखेंगे, एस आ रहा है तो एस ही लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको देखो अगर मोलिकुलर वेट के हिसाब से एटॉमिक नंबर से बात करेंगे तो ब्रोमीन मेरा फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन वो रूल हम इधर यूज नहीं कर रहे, हम रूल यूज कर रहे हैं वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल वाला का, वर्टिकल वाले को पहले फर्स्ट एंड सेकंड नंबर देना है एंड हॉरिजॉन्टल वाले को थर्ड एंड फोर्थ देना है, ठीक है, तो बात हो गई, ये मेरा कौन सा हुआ आर कॉन्फिगरेशन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा विथ ट्रिक के साथ, ठीक है, सोल्व करते हैं सेकंड बी ए का, ठीक है, हमको इसका कॉन्फिगरेशन मिल गया कि मेरा कॉन्फिगरेशन कैसा है, आर कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, तो बात करते हैं, देखो अगर ऑप्शन में जाओगे तो इसका पहला वाला आर है तो ये एस है, यहाँ भी एस है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरा ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो बात रही ये दोनों ऑप्शन की, चेक करते हैं, ठीक है, क्या दिया है उसका आंसर, देखो इसमें क्या करना है, बाइफिनाइल है, कायरल एक्सिस कंटेंट कंपाउंड है, और कायरल एक्सिस कंटेंट कंपाउंड में आपको बोला हूँ कि जो वेट डेस पोर्शन वाला है उसको क्या करना है, नीचे लाना है, लेकिन अब देखो नीचे लाना मैं सिखाऊंगा नहीं, तुमको पता चल गया होगा कैसे नीचे लाना, ठीक है, इसको मैं वेज डेस पोर्शन, ये मेरा अबो दो प्लेन दिया है, ठीक है, तो देखो ये डार्क लाइन दिया है, तो अबो दो प्लेन दिया है तो ऑब्वियसली ये मेरा बिलो दो प्लेन होगा, ठीक है, ये मेरा बिलो दो प्लेन होगा, वो मेरे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये अबो दो प्लेन, तो ये मेरा बिलो दो प्लेन होगा, तो मैं उसको घुमा के मेरे को क्या हल लेना है, नीचे लाना है, नीचे लाने की जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्टली सिखा रहा हूँ, अगर इसको मैं नीचे ले गया तो मैं डायरेक्टली यही फिशर कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करूंगा, देखो इसको मैं नीचे ले गया तो वेज पे कौन है, अबो दो प्लेन कौन है, अबो दो प्लेन नाइट्रो ग्रुप है, तो मैं बोला था कि जो अबो दो प्लेन होगा वो ऊपर जाएगा, बिलो दो प्लेन होगा वो नीचे रहेगा, ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप मेरा अबो दो प्लेन है और मेरा सी डब्ल्यू एच बिलो दो प्लेन है, ठीक है, तो उसको नीचे लाएगा,
और इसको मैं घुमाया कैसे, अगर इसको नीचे लाया तो मेरे को इस तरह घुमाना पड़ेगा, तो ये ऐसे घुमाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ये ऐसे चला जाएगा, तो राइट हैंड पे क्या रहेगा, NO2 रहेगा, राइट हैंड पे NO2 एंड लेफ्ट हैंड पे क्या है, लेफ्ट हैंड पे सी डबल OH। और बारस नोमेनक्लेचर की बात की तो ये कायरल एक्सिस कंटेंट कंपाउंड में हमको क्या करना है, कायरल एक्सिस कंटेंट कंपाउंड में क्या करना है, वर्टिकल वाला पोर्शन है उसको वन एंड टू नंबर देना है, ओरिजेंटल को थर्ड एंड फोर्थ देना है, ठीक है, इसको देना है थर्ड एंड फोर्थ, इसको देना है नंबर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, और इसको देना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। देखो अभी वो उसके ऊपर डिपेंड है, देखो इधर क्या है नाइट्रो ग्रुप है और इधर क्या है कार्बन ग्रुप है, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू कार्बन, तो पहला तो उसको ही देखेंगे कौन अटैच है, ठीक है, तो नाइट्रोजन अटैच है तो उसको नंबर एक देंगे और इसको देंगे दो नंबर, ठीक है। और बात रही ये दोनों की थर्ड एंड फोर्थ में, तो दोनों सेम ही है लेकिन बात तो हमको थर्ड एंड फोर्थ, ओरिजिनल को तो थर्ड ही फोर्थ रखना है, तो ये मेरा होगा थर्ड एंड ये होगा मेरा फोर्थ। और अभी आरएस नोमेनक्लेचर की बात आई कि हम रूट कौन सा पसंद करेंगे, अगर वन टू टू जाना है तो रूट कौन सा पसंद करेंगे, थर्ड तरफ नहीं जाएंगे, फोर्थ वाला रूट पसंद करेंगे, ठीक है, तो वन टू टू जाएंगे, अगर वन टू टू जाना है बीच में फोर्थ आएगा तो कोई इश्यू नहीं हमको, लेकिन थर्ड कभी आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जाएंगे तो कैसे है घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स मेरा एच कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है, इधर मेरा चार फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल पे है लेकिन हमको इसका इधर एच का आर नहीं करना है, वो ध्यान रखना है कायरल एक्सिस कंपाउंड में हम नोमेनक्लेचर में चार नंबर पे और आर टू एस और एस टू आर नहीं करते, ठीक है, याद रखना। तो मेरा कैसा कॉन्फ़िगरेशन आया, एच कॉन्फ़िगरेशन आया, ठीक है, तो ये मेरा आर है और ये मेरा एच कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आर एंड एच वाला, ये दोनों में से ये दोनों तो ऐसे ही निकल गए थे, तो ये मेरा आर आर है तो ये भी निकल गया, तो बात रही है कि एक है आर एक है एस, तो आई होप आपको समझ में आ गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन द आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिलो कंपाउंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, हमको चार कंपाउंड दिया है, आर एस नोमेनक्लेचर निकालना है, ठीक है। देखो कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कंपाउंड लिया हमें कायरल प्लेन कंटेंट, कायरल प्लेन कंटेंट कंपाउंड है, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे तब जाएंगे, बहुत ही डिटेल में जाएंगे कि कायरल प्लेन कंपाउंड में क्या क्या रहता है, ठीक है, उसका नाम क्या क्या रहता है। अभी सोल्व करते हैं ये वाला एग्जांपल कि हमको इसका आरएस नोमेनक्लेचर मेंशन करना है। देखो पहला कंपाउंड दिया है वो है अंशा कंपाउंड दिया है, ठीक है, तो आरएस नोमेनक्लेचर करना है तो ये कॉन्फ़िगरेशन का इतना का पोर्शन का कर पाएंगे हम आरएस नोमेनक्लेचर। देखो अंशा कंपाउंड इसको बोलते हैं अंशा कंपाउंड, ठीक है, अंशा कंपाउंड हैविंग कायरल प्लेन, ठीक है। देखो आरएस नोमेनक्लेचर ऐसे कंपाउंड का निकालेंगे ना, तब देखो ये पैरा पोजिशन पे जो लगा हुआ है ना यहाँ पे इसका ही कॉन्फ़िगरेशन निकल पाएगा, इधर तो कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है, ठीक है, इधर कोई ग्रुप नहीं है तो उसका निकल नहीं पाएगा, तो इसको देना है एक नंबर, इसको देना है एक नंबर, फिर ये वाला होगा दूसरा नंबर, फिर ये वाला थर्ड नंबर एंड ये वाला फोर्थ नंबर। देखो अगर ये वन टू फोर्थ तरफ जाएंगे, ठीक है, इसके इस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस क्लॉकवाइज घूम रहा है मीन्स क्या होगा आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मेरा आर आर कॉन्फ़िगरेशन। सोल्व हो गया पहला वाला, सिंपल था कि देखो ये पैरा पोजिशन पे जो दिया है वहां से चालू करना है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट दिया है वहां तक उसका नोमेनक्लेचर हमको मेंशन करना है, तो नंबर देंगे ऑर्थो वाला का पहला, फिर जो इप्सो पोजिशन वाला ये कार्बन पे दिया है उसको दूसरा, फिर जो ऑर्थो पोजिशन पे जो ये कार्बन रहा है उसको थर्ड एंड जो ऑर्थो पोजिशन पे ग्रुप लगा है उसको फोर्थ देंगे, फिर वो नंबर के अकॉर्डिंग जिस तरह क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है, अगर आर हो क्लॉकवाइज होगा तो आर कॉन्फ़िगरेशन और एंटी क्लॉक होगा तो एस कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल था, अंशा कंपाउंड सोल्व हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ये कंपाउंड भी कायरल प्लेन कंटेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं साइक्लोफेन, क्या बोलते हैं साइक्लोफेन बोलते हैं इसको। और देखो इसको आर एस नोमेनक्लेचर निकालना है, देखो पैरा पोजिशन पे ये सी एस टू ग्रुप है और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप नहीं है, ठीक है, बाकी कहीं पे नहीं है, तो हमको निकालना इसका ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला काम करेंगे इसको देंगे एक नंबर, ये कार्बन को देंगे दूसरा नंबर, फिर जो ऑर्थो पोजिशन पे जगह है कार्बन वो थर्ड नंबर, एंड जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप दिया है सी डब्ल्यू एच ग्रुप उसको देंगे फोर्थ नंबर। देखो तुम क्लॉकवाइज घूमोगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, देखो इस तरह वन टू फोर्थ तरफ आ रहे हो तो कैसे हो
हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज देखो ये ऐसे घुमा होगा तो क्या जनरेट होगा, एस होगा, ठीक है, अगर ऐसे घूम रहा है तो ठीक है तुम्हारा आर कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है, ऐसे घूम रहा है तो आर कॉन्फिगरेशन होगा और ऐसे है तो एस कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे घूम रहा है, एस की तरह घूम रहा है, ठीक है, तो ये मेरा कॉन्फिगरेशन कैसा हो गया, 1-4 तरफ गए तो ये मेरा हो गया एस कॉन्फिगरेशन। देखो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि आर और एस वाला कौन सा ऑप्शन दिया है, कोई भी नहीं दिया है, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट सोल्व करते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा। देखो ये वाला पहला आर दिया है, ये दोनों में आर आर दिया है, ठीक है, तो ये तो निकल गया ऐसे ही, और दूसरा देखते हैं तो दूसरा मेरे को एस मिला, और इसमें क्या है, इसमें तो आर दिया है, ठीक है, तो ये भी निकल गया, बात रही है कि ठीक है। अभी सोल्व करते हैं क्या है, देखो इसमें ये क्या दिया है, साइक्लोक्टीन, ट्रांस साइक्लोक्टीन दिया है, ठीक है, ये ट्रांसमीटर है, साइक्लोक्टीन है वो, जब हमारा साइक्लो अल्किन है, जो साइक्लो अल्किन है उसमें से 7 मेंबर तक वो सीस फॉर्म में रहती है, जब 8 मेंबर में आएगी ना वो तब ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अल्किन है जो साइक्लो अल्किन है वो 8 मेंबर के बाद 8 मेंबर पे या तो 8 मेंबर के बाद वो ट्रांसफॉर्म में जाती है, तब तक वो सीस फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। तो ये क्या मेरा ट्रांसऑक्टीन, ट्रांस साइक्लोक्टीन, ठीक है। देखो इसका आज नॉमेनक्लेचर बहुत ध्यान से देखना, देखो इसमें मेरा डबल बॉन्ड क्या है, ये डबल बॉन्ड है वो अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, देखो ये डार्क लाइन कौन सी है, डार्क लाइन में मेरी सिंगल लाइन है, जो सिंगल बॉन्ड है वो मेरी डार्क लाइन है, मीन्स डार्क लाइन है वो क्या होगा, अबव द प्लेन होगा ऑब्वियसली, तो मेरा डबल बॉन्ड इधर क्या है, डबल बॉन्ड इधर मेरा बिलो द प्लेन है, और ये कंपाउंड में देखो जो फोर्थ कंपाउंड दिया है उसमें जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन है मेरा जो डबल बॉन्ड दिया है वो डार्क है, मीन्स वो क्या है अबव द प्लेन दिया है, और ये सिंगल बॉन्ड है वो मेरा बिलो द प्लेन है। इसका आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे निकले, देखो आरएस नॉमेनक्लेचर ट्रांस साइक्लोक्टीन में जब निकालो तब प्लेनर टू नॉन प्लेनर तरफ जाना है, ठीक है, मेरा अगर सिंगल बॉन्ड है वो प्लेन में होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड की तरफ जाना है, मीन्स प्लेनर टू नॉन प्लेनर जाना है, ऑलवेज मूव फ्रॉम प्लेनर टू नॉन प्लेनर जाना है, ठीक है। अगर प्लेनर टू नॉन प्लेनर जाएंगे तो देखो ये मेरा अबव द प्लेन है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिलो द प्लेन है, हम याद रखेंगे कि मेरा डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, अगर डबल बॉन्ड बिलो द प्लेन है या डबल बॉन्ड अबव द प्लेन है, वो दो को ध्यान रखेंगे। देखो इसमें मेरा बिलो द प्लेन है तो मेरा प्लेनर टू नॉन प्लेनर मूव कर रहा हूँ, ये मेरा प्लेनर है तो नॉन प्लेनर तरफ में जा रहा हूँ, प्लेनर टू नॉन प्लेनर गया मैं तो मेरा कैसा कॉन्फिगरेशन हो रहा है, आर कॉन्फिगरेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड कौन सा है मेरा, डबल बॉन्ड मेरा बिलो द प्लेन है, मीन्स डैश में है, तो डैश में है तो आरएस कॉन्फिगरेशन का रूल क्या है, अगर तुम्हारा लास्ट पोजीशन वाला जब डैश वाला आएगा अगर 4 नंबर तुम्हारा बिलो द प्लेन है तब तुम्हारा नॉमेनक्लेचर एज इट इज रहेगा, लेकिन जो अबव द प्लेन आ गया तो नॉमेनक्लेचर तुम्हारा चेंज हो जाएगा, अगर आ रहा है तो एस हो जाएगा और एस आ रहा है तो आर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा डबल बॉन्ड बिलो द प्लेन है तो ये कॉन्फिगरेशन कैसा होगा, मेरा आर कॉन्फिगरेशन होगा, और बात करते हैं इसकी मेरा डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड अबव द प्लेन है, तो मेरा अगर मैं प्लेनर टू नॉन प्लेनर की तरफ जाऊंगा, प्लेनर टू नॉन प्लेनर तरफ जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ये प्लेनर टू नॉन प्लेनर की तरफ गया हूं तो ये आर कॉन्फिगरेशन होगा, लेकिन मेरा डबल बॉन्ड किस तरफ है, डबल बॉन्ड मेरा अबव द प्लेन है तो आर कॉन्फिगरेशन कैसा हो जाएगा, आर कन्वर्ट इनटू एस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था। देखो इसमें प्लेनर टू नॉन प्लेनर तरफ की तरफ जाऊंगा, ये देखो ये आर कॉन्फिगरेशन आया, इसका भी ये तुम अगर बोल रहे हो कि तुमने तो एक रिंग है, रिंग का ही देखा, ठीक है, तुम दोनों रिंग से कहीं से भी यूज कर लो आंसर यही आएगा, ठीक है। देखो तुम ये प्लेनर मेरा है, प्लेनर टू नॉन प्लेनर की तरफ जाऊंगा तो ऐसे घूम रहा है तो क्या होगा, आर कॉन्फिगरेशन ही है, ठीक है, और डबल बॉन्ड तो मेरा बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है तो मेरा कॉन्फिगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरा ये आर कॉन्फिगरेशन वाला है, और इधर तुम देखो प्लेनर टू नॉन प्लेनर की तरफ जाओगे आर कॉन्फिगरेशन आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड मेरा अबव द प्लेन है, जब डबल बॉन्ड अबव द प्लेन आएगा तब नॉमेनक्लेचर चेंज होगा, ठीक है, अबव द प्लेन आएगा तो अगर आर कॉन्फिगरेशन है तो एस हो जाएगा और एस कॉन्फिगरेशन है तो आर हो जाएगा, इफ डबल बॉन्ड अबव द प्लेन, समझ गए, अगर मेरे को डबल बॉन्ड अबव द प्लेन दिया है तो मैं नॉमेनक्लेचर चेंज करूंगा आर टू एस या तो एस टू आर, मेरा ऑब्वियसली आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन इज द राइट आंसर, मेरा कंपाउंड है जो अंसा कंपाउंड था उसका आर कॉन्फिगरेशन है, फिर साइक्लोफेन था उसका एस कॉन्फिगरेशन है, फिर ट्रांसऑक्टीन है ट्रांस साइक्लोक्टीन, जिसमें मेरा डबल बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन है
ट्रांसैक्लेक्टिन का जिसमें डबल बोन है वो अबोधो ग्लैंड है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूव होते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कंपाउंड दिया है, कंपाउंड इज ऑप्शन ए दिया है, कंपाउंड इज काइरल एंड हैज अ पी कॉन्फिगरेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है कंपाउंड इज काइरल एंड हैज एम कॉन्फिगरेशन। बात करेंगे पी कॉन्फिगरेशन एम कॉन्फिगरेशन की। और थर्ड ऑप्शन दिया है कि कंपाउंड इज ए काइरल, एक काइरल एंड इट पजेस सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन क्या दिया है कि कंपाउंड इज ए काइरल एंड इज पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो ये कंपाउंड क्या है। पहले तो ये कंपाउंड है, देखो कभी एरोमेटिक रिंग पे वेस्टेज पोर्शन देखा है क्या? एरोमेटिक रिंग पे वेस्टेज पोर्शन कभी मेंशन करता हुआ देखा है? ठीक है, यहां पे उनको दिखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हेलिसिटी। ठीक है, हेलिसिटी। अगर हेलिकल कंपाउंड तुमको जब मिलेगा तब तुमको ये फॉर्मेशन का दिखने को मिलेगा। ठीक है, हेलिकल कंपाउंड में। और ये हेलिसिटी है एक काइरल कॉन्फ़िगरेशन का एक टाइप ही है। ठीक है, काइरलिटी का एक ये टाइप है हेलिसिटी। ठीक है, उसका हम नॉर्मल कैसे करेंगे? पहले तो एक बात की ये हेलिसिटी कंपाउंड में सी टू एक्सिस एब्सेंट रहती है। ठीक है, और प्लेन भी नहीं रहती। ठीक है, अगर कंपाउंड काइरल है तो तुम्हारा सी टू एक्सिस भी नहीं होगा और प्लेन भी नहीं होगा। सी टू एक्सिस एब्सेंट होगी एंड प्लेन भी एब्सेंट होगी। ठीक है, तो मेरा सी टू एक्सिस भी एब्सेंट एंड प्लेन भी एब्सेंट। ठीक है, तो बात हो, देख लो इट पजेस सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये ऑप्शन निकल गया ऐसे ही। और डी ऑप्शन क्या है, इट पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये ऑप्शन भी निकल गया। ठीक है, और बात रही थी एकाइरल काइरल की, तो काइरलिटी हेलिकल कंपाउंड क्या है? काइरलिटी का ही एक टाइप है। ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो तीन पॉइंट याद रख लेना हेलिसिटी में, कि ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, ठीक है, कि अब पी कॉन्फ़िगरेशन और एम कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, सपोज तुम वेज पोर्शन है, तुम वेज टू डेज की तरफ जा रहे हो और वो क्लॉकवाइज है। वेज टू ट्रिक देखो, वेज टू डेस की तरफ जाते हो, इस तरफ जाओगे। ठीक है, तब अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ठीक है, सीएलओ सी के क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? मेरा पी कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होगा पी कॉन्फ़िगरेशन। अगर वेज टू डेस की तरफ जाने पे अगर तुमको तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? एम कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर क्लॉकवाइज है तो पी कॉन्फ़िगरेशन और एम, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एम कॉन्फ़िगरेशन। जाना किधर है? वेज पोर्शन टू डेस पोर्शन की तरफ। तो देखो मेरा वेज पोर्शन किधर है? यहाँ पे है, डेस पोर्शन यहाँ है। अगर मैं यहां से मूव करूंगा इस तरफ, यहां से मूव करूंगा तो ये कैसा हो रहा है? आर कॉन्फ़िगरेशन मीन्स क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, मैं ये क्लॉकवाइज है ना, ऐसे एंटी क्लॉक वाइज होगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मेरा कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा? पी कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर मेरा इधर वेज होता और इधर डेस होता तो मेरा ऐसे एस कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज होता। ठीक है, तो मेरा एम कॉन्फ़िगरेशन होता। लेकिन ये कैसे घूम रहा है? वेज टू डेस की तरफ जाने पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? पी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? कंपाउंड इज काइरल एंड इट हैज पी कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल का एक क्वेश्चन था। ठीक है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेट में ऐसा सवाल आ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये गेट वाल, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। मूव होते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टीरियोकेमिकल नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, स्टीरियोकेमिकल नोटेशन हमको मेंशन करना है कि कंपाउंड मेरा कैसा है, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, वो अगर डबल बॉन्ड दिया है तो वो क्या है, ई पोजिशन पे है या जेड पोजिशन पे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या दिया है कि टू मेरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है वो जेड है और उसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, या टू जेड है और उसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, या टू ई है और उसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, या टू ई है एंड कॉन्फ़िगरेशन उसका एस है। ठीक है, मीन्स टू और फोर क्या है? ठीक है, जब अगर तुम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, तब जब भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तब फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर देंगे। ठीक है, पहला नंबर फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये एक और दो नंबर पे क्या होगा? मेरा दो नंबर पे डबल वन हो गया, आ गया। ठीक है, और तीन एंड फोर, फोर नंबर पे क्या है? फोर नंबर मेरा कायरल और बन है।
ठीक है, तो उसका मैं आरएस नोमेनक्लेचर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं पहले, तो ये जेड और ई दिया है, ठीक है, मीन्स कि ये सीस और ट्रांस टाइप ही हुआ है। ठीक है, ये देखो मेरा ये जेड है और ई, पहले फाइंड करना है हमको ये। ठीक है, तो देखो ये डबल बोन यहाँ पे एक वैलेंसी है, इसके पास एक वैलेंसी इधर एच करके होगा, ठीक है, एच इधर होगा, ठीक है, डबल बोन और एक इसकी दो वैलेंसी इधर है। तो पहला काम क्या करना है, डबल बोन का वैलेंसी में दोनों जो एक कार्बन पे जो जुड़ा हुआ है ना, उसको पहले नंबर दे देंगे कि कौन सा पहला नंबर है, कौन सा दूसरा नंबर है। ठीक है, तो देखो ये मिथाइल ग्रुप है, इधर क्या है सी डबल ओ ग्रुप है, तो ऑब्वियसली पहला नंबर इसका होगा। ठीक है, ये मेरा एक नंबर होगा और ये मेरा दो नंबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये कार्बन की, ये कार्बन पे दो लोग जुड़े हैं। ठीक है, एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा है और एक एच जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये छोटा ही होगा, तो एक नंबर इसका आएगा, एक नंबर इसका आएगा और दो नंबर इसका आएगा। ठीक है, तो एक और ये दो, इस ये कार्बन पे एक नंबर इसका आया, ये कार्बन पे एक नंबर इसका आया, तो ये दोनों की पोजीशन क्या है, एक एक नंबर की पोजीशन क्या है। यहां से जाएंगे तो ये कौन से मिनर में है, ट्रांस मिनर में है। ठीक है, ट्रांस मिनर में है, और देखो दो दो की पोजीशन देखो, ये भी दोनों की ट्रांस मिनर, अगर ये एक ट्रांस मिनर पे है तो ऑब्वियसली ये भी ट्रांस मिनर में ही होगा। तो ट्रांस मिनर को क्या बोलेंगे, ई कॉन्फिगरेशन बोलेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया ई कॉन्फिगरेशन। ठीक है, जेड नहीं है तो ऑब्वियसली जेड वाला ऑप्शन मेरा ऐसे एलिमिनेट हो गया, मेरा कॉन्फिगरेशन है वो ई कॉन्फिगरेशन वाला है, जेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड कैसा मिला, हमको ई मिल रहा है। ठीक है, बात रही कॉन्फिगरेशन की, ठीक है, कायरल कार्बन की, तो देखो इधर OH क्या पोजीशन पे दिया है, OH दिया है बिलो दो प्लेन दिया। ठीक है, बिलो दो प्लेन दिया है, तो अगर उसके पास अबो दो प्लेन में हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो मेंशन कर देता हूँ, एग्जाम पॉइंट अभी कभी कोई देगा नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन छुपा रहता है। ठीक है, अबो दो प्लेन एक हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो अब देते हैं प्रायोरिटी, अब प्रायोरिटी देते हैं, अगर सीआईपी रूल पढ़ेंगे तब डिटेल में प्रायोरिटी बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे नोमेनक्लेचर में सीआईपी रूल में कोड इनकोड प्रीलॉग रूल है। ठीक है, आईपीएस नोमेनक्लेचर ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, उसमें डिटेल में जाएंगे तब पढ़ेंगे ऑब्वियसली। देखो ओएच मेरा पहला ग्रुप है, ये कायरल के बाद देखो यहां से तुम मूव करोगे, यहां मूव करो, यहां मूव करो, यहां मूव करो, यहां मूव करो। ठीक है, सब जगह पे क्या है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे तो एच, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली जिसका नंबर ज्यादा हो, ऑक्सीजन का ऑब्वियसली कार्बन से तो ज्यादा है, कार्बन 6 नंबर पे है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका पहला नंबर आएगा, ये मेरा एक नंबर हो गया। अब बात करते हैं इधर की, यहाँ पे कार्बन है, एक ये डबल बॉन्ड पे जुड़ा है, एक यहाँ पे कार्बन है, लेकिन उसके साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, तो बात रही डबल बॉन्ड की और मिथाइल ग्रुप की, तो इसमें क्या है? देखो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं तुमको सीआईपी पढ़ाऊंगा तब डिटेल में जाऊंगा। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ये मेरे पास एक डबल बॉन्ड है ना, ये एक डबल बॉन्ड है ना, IUPAC ये आरएस नोमेनक्लेचर में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, आरएस नोमेनक्लेचर में ये मेरा कार्बन इधर है, उसके साथ यहाँ भी कार्बन है ना, तो उसके साथ ऐसे कार्बन एक जुड़ा है, फिर देखो डबल बॉन्ड है तो क्या मीनिंग हुआ, और एक कार्बन ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, ये बात होगी, इधर भी कार्बन है तो ये कार्बन किस तरह जुड़ा है, दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से नहीं जुड़ा। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जैसे दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो ये भी इस तरह जुड़ा होगा, तो इसका भी एक डबल कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का होगा। ठीक है, ये दोनों एक एक कार्बन है और एक एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब हम आरएस नोमेनक्लेचर में सीआईपी का रूल बताऊंगा तब डिटेल में इसमें जाएंगे। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा इसका दो नंबर आएगा, इसका तीन नंबर आएगा, तो मेरा ये होगा, दूसरी प्रायोरिटी इसकी होगी, फिर थर्ड इसकी होगी, और मेरा अबो दो प्लेन है, ये चार नंबर इसका होगा। ठीक है, तो मेरे को कैसा मिला, अगर आरएस नोमेनक्लेचर में पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो कैसा मिलेगा मेरे को, ये अबो दो प्लेन और बिलो दो प्लेन, बिलो दो प्लेन में क्या है एक नंबर है। ठीक है, अबो दो प्लेन में क्या है चार नंबर है, और इस साइड मेरा दो नंबर है, और यहाँ पे तीन नंबर है। ठीक है, हमको क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, वन टू टू तरफ जाना है, अगर थ्री बीच में आ रहा है तो नहीं जाना है। ठीक है, डायरेक्टली दो नंबर है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो वन टू टू तरफ जाना, तो ऑब्वियसली इधर तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, लेकिन देखो चार नंबर मेरा कहाँ पे है, चार नंबर मेरा अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, तो नोमेनक्लेचर कैसा हो जाएगा, आर कन्वर्ट इनटू एस। ठीक है, आर कन्वर्ट इनटू एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब चार नंबर मेरा बिलो द प्लेन होगा तब मेरा एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन आएगा, लेकिन जब चार नंबर मेरा अबव द प्लेन चला जाएगा तब मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन आर टू एस हो गया, तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ, एस कॉन्फ़िगरेशन, और मिला क्या है हमको ई वाला, ये डबल बॉन्ड कैसा है, ई प्रकार का है। ठीक है, ई टाइप का है, तो मेरा दो नंबर पे ई है और
चार नंबर पे एस कॉन्फ़िगरेशन, तो चार नंबर पे एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ऑप्शन मेरा डी एक सही हुआ। ठीक है, आई होप आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एंड तक देखिए, किसी के प्रकार का डाउट हो स्टीरियो केमिस्ट्री में आप जरूर बताइए, ठीक है, हम सोल्व करके बताएंगे, या तो आपका क्वेश्चन चाहे अगर इतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो हम ऑब्वियसली उसको एग्जाम बूस्टर सीरीज में भी लेंगे, ठीक है, और अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उधर भी डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल में नहीं है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके ही जाना है, और लाइक करना और कमेंट करना भूलना नहीं है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। और जो मैं पहला क्वेश्चन कराया था ना, पहला क्वेश्चन में मैं सिर्फ डायरेक्टली फिशर कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करके बोला था, ठीक है, तुम आरएस नोमेनक्लेचर से देखोगे ना तो आरएस नोमेनक्लेचर से भी सोल्व हो जाएगा, तो तुम उसका आरएस नोमेनक्लेचर करके सोल्व करके कमेंट में जरूर बताना कि उसका क्या नोमेनक्लेचर है, जो हमारा आंसर आ रहा था 1 और 3 वाला, उसका आरएस नोमेनक्लेचर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।